हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे कक्षा नवमी का क्षितिज भाग एक का विषय हिंदी का कविता नौ। कविता नौ है कबीर की साखियां और इसके कवि हैं कबीर दास जी। ये है कबीर दास जी, इनके बारे में तो आप जानते हैं कि ये प्रचलित मान्यताओं को बिल्कुल नहीं मानते थे, ये भगवान के साकार रूप को मानते थे। तो इनकी कबीर की साखियां हैं, इनकी साखियों में पहली साखी है मानसरोवर सुभर जल हंसा केली कराही मुकुता फल चुगे अब उड़ी अनंत न जाही। अब इसमें इन्होंने जैसे हंसों के बारे में बात की है कि जो हंस हैं वो हमेशा मानसरोवर में खेलते रहते हैं, उसी प्रकार से हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य जो है वो माया जाल में फंसे रहते हैं। जैसा कि यहां बता रहे हैं कबीर ने उन व्यक्तियों की तुलना, हम जैसे व्यक्ति जो है उनकी तुलना हंसों के साथ करी है कि जिस तरह जल में, ठीक है, मानसरोवर में हंस खेलते रहते हैं और उन मोतियों को वो चुगना पसंद करते हैं, उसी तरह हम जैसे व्यक्ति माया जाल में बंध जाते हैं और इस सच्चाई से, इस सच्चाई को नहीं समझते कि हमें ये छोड़कर जाना है। उस जिस प्रकार से हंस वहां से नहीं जाना चाहते, उस मानसरोवर छोड़कर, मानसरोवर को छोड़कर नहीं जाना चाहते, बिल्कुल उसी तरह जीवन के माया जाल को छोड़कर इंसान नहीं जाना चाहता है, वो यहीं पे रहकर उसी को सच्चाई समझता है। आगे साखी है प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले ना कोई प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। अब यहाँ पे प्रेमी ढूंढत मैं फिरू, अब यहाँ पे कबीर दास जी प्रेमी किसको कह रहे हैं, स्वयं को, वो अपने जैसा प्रेमी, भगवान के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जिस प्रकार से कबीर दास जी यहाँ कह रहे हैं कि प्रेमी यानी ईश्वर को ढूंढना बहुत मुश्किल है, जो ईश्वर है उनको प्राप्त करना, उनको ढूंढना बहुत मुश्किल है, वे उसे ढूंढते फिर रहे हैं, वे उन्हें ढूंढते हुए यहां वहां घूम रहे हैं परंतु वे उन्हें कहीं नहीं मिल रहे हैं। प्रेमी रूपी ईश्वर मिल जाने पर उनका सारा विष जो है, विष है यहाँ पे कष्ट, जो मोह माया में हम फंसे हुए हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, जो यहाँ पे विष उसको कहा गया है, उस विष को वो अमृत बना देते हैं, यानी उस विष को, वो जो कष्ट है उनको वो सुख में बदल देते हैं। अगर हम ईश्वर को प्राप्त कर लें, अगर हमारे भीतर वो हर कण कण में बसते हैं, हम उन्हें प्राप्त कर लें तो हमारे जो सारे के सारे कष्ट हैं वो सब कष्ट मिट जाएंगे और सब विष अमृत होए, सब कष्ट जो हैं वो सुख में बदल जाएंगे। हमारा तीसरी जो साखी है हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी स्वान रूप संसार है भौंकन दे झकमारी। अब स्वान होता है कुत्ता, ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है कि यहाँ कबीर दास जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करता है, जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वो किस प्रकार का व्यक्ति है, वो उसको लगता है कि हाथी की सवारी वो कर रहा है और सहज साधना रूपी जो गलीचा है वो बिछा हुआ है। संसार किसकी तरह है, संसार की तुलना यहाँ पे कुत्तों से की गई है, जिस प्रकार से हाथी के चलने से कुत्ते भौंकते हैं तो यहाँ पे यही कहा गया है, तो हाथी उनको अनदेखा करता है, तो जो आपके ऊपर भौंकते हैं उन्हें अनदेखा करते चलिए, एक दिन वे स्वयं भौंक कर झक मार कर चुपचाप बैठ जाएंगे। उसी प्रकार से यहाँ ये बताया गया है कि जो ज्ञान रूपी हाथी की सवारी कर रहा है, जिस इंसान ने ज्ञान को प्राप्त कर लिया है उसे किसी की परवाह नहीं रहती, उसे किसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये संसार किसकी तरह है, कोई कुत्ते के समान है जो आपके ऊपर हमेशा भौंकते रहेंगे और कुछ टाइम के बाद जब वो थक जाएंगे तो वो अपने आप आराम से बैठ जाएंगे। आगे है पखा पखी क्या करना सब जग रहा भुलान निरपक होई के हरी भजय सोई संत सुजान। अब पखा पखी यहाँ पे कहा गया है पक्ष विपक्ष की बात कर रहे हैं, मतलब अब क्या कहते हैं, ये तुम्हारे पक्ष में है ये मेरे पक्ष में है,
तो जो व्यक्ति, अब यहाँ कबीर दास जी कह रहे हैं, पक्ष विपक्ष के कारण सारा संसार क्या कर रहा है, आपस में लड़ रहा है, झगड़ रहा है, और भूल भुलैया में पड़ के हम लोगों ने क्या किया है, हम प्रभु को भूल चुके हैं, हम ईश्वर को भूल चुके हैं। जो व्यक्ति इन सब झंझटों में, जो व्यक्ति इन सब झंझटों में, इन सब लड़ाइयों में नहीं पड़ता है, वो बिना निष्पक्ष होकर प्रभु के भजन में लगा रहता है, ईश्वर को ध्यान करता है, ईश्वर के ध्यान में लगा रहता है, सही अर्थों में वही मनुष्य है। जो व्यक्ति यहाँ पे बताया गया है, जो पक्ष विपक्ष में नहीं पड़ता, व्यर्थ में किसी दूसरे भेदभाव नहीं करता, वही व्यक्ति निष्पक्ष होकर प्रभु को जब भजता है, उसका भजन करता है, सही अर्थों में वही मनुष्य है। हमारा अगली साखी है, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कह कबीर सो जीवता दुहों के निकट ना जाए। अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि हिंदू जो है वो क्या करते हैं, हिंदू राम राम का भजन करते हैं, और मुसलमान जो है वो खुदा खुदा कहते मर जाते हैं। आपने देखा है कि हिंदू राम ही कहते हैं और मुसलमान खुदा कहते हुए अपने प्राण दे देते हैं, लेकिन क्या ईश्वर अलग है? नहीं, ईश्वर तो एक है, चाहे उसे राम के नाम से बुलाइए या खुदा के नाम से पुकारिए, ईश्वर एक है। असल में वह व्यक्ति ही जीवित के समान है जो इन दोनों बातों से अपने आप को अलग कर सकता है, वही इंसान है, वही इंसान उस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, इस ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, जो दोनों राह पर नहीं जाता है। उस इंसान, वही इंसान भगवान को प्राप्त कर सकता है जो इन दोनों को नहीं मानता, क्योंकि ईश्वर जो है वो एक है। हमारा अगला साखी है, काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम। कबीर दास जी यहाँ कह रहे हैं कि आप या तो काबा जाएं, काबा होता है मुसलमानों का पवित्र स्थल, या काशी राम भजे, काशी है या राम भजे रहीम, दोनों का अर्थ समान है। अब यहाँ पे या तो आप काबा में जाइए या काशी में जाइए, दोनों का समान एक 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 ही है। जिस तरह से गेहूं को पीसने से आटा बन जाता है, और अगर उसको थोड़ा ज्यादा बारीक पीस देते हैं, आटे को जब हम थोड़ा और ज्यादा बारीक कर देंगे तो उसी का मैदा बनता है, तो उसी प्रकार से यहाँ बताया गया है, या आप काबा में जाइए या आप काशी में जाइए, दोनों एक ही है, क्योंकि दोनों दोनों ही अर्थों से जो प्रभु है वो एक ही दर्शन देंगे, तो प्रभु के हमें एक ही प्रकार से दर्शन होंगे। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच ना होई, सुब्रन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। अब यहाँ पे कबीर दास जी बोल रहे हैं कि केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता, अगर उसके कर्म ज्यादा मायने रखते, अगर कर्म अच्छे होंगे तभी इंसान जो है वो अपने आप को प्राप्त कर सकता है, ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है, क्योंकि इंसान के कर्म जो है वो मायने रखते हैं। अगर व्यक्ति बुरे कार्य करता है तो उसका कुल अनदेखा कर दिया जाएगा, उसके कुल का कोई मोल नहीं रह जाता। ठीक उसी प्रकार जिस तरह से अगर सोने के कलश में मदिरा डाल दी जाए तो साधु लोग उसकी निंदा ही करते हैं, उसको शराब ही, वो शराब जो है वो शराब ही कहलाई जाएगी, चाहे वो सोने के कलश में रखी जाएगी। थैंक यू।